हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 24 फरवरी 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। मंडे का पेपर है आज, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो एडिटोरियल है वो है कीपिंग अप द प्रेशर। कीप अप द प्रेशर, प्रेशर बनाए रखना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान को हमेशा टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। द डिसीजन बाय ग्लोबल वॉचडॉग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डिसीजन आया अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, अभी लास्ट वीक जब मीटिंग हुई इसकी पेरिस में। इसमें इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही डाला है और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रोकने में इसके अंदर देश के अंदर वो काफ़ी कम सफल रहा है। और ये ग्रे लिस्ट में रहा है, ये कोई चुकाने वाली बात तो है नहीं। ब्लैक लिस्ट में आता तो फिर भी वाहवाही होती FATF की, ग्रे लिस्ट में आया है तो ये तो ग्रे लिस्ट में आने की इसको आदत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ येट टू कंप्लीट दिस 27-पॉइंट एक्शन प्लान, इट वाज गिवन इन जून 2018 में 27-पॉइंट एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया गया कि 27 पॉइंट को पूरे करने हैं आपको। और इसके तहत कहा गया अगर आप नहीं कर पाए तो ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिए जाओगे। FATF के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने प्रोग्रेस तो की है, 14 पॉइंट में काम किया है। और इसको देखते हुए FATF जो कि 39 मेंबर ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है, उसने प्रोग्रेस को देखते हुए डेडलाइन सितंबर 2019 से जून 2020 भी कर दी थी। और इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी कुछ किया, हाफिज शहीद को जेल में डाल दिया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस बहुत कमज़ोर है। और इसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद फंडिंग ले पाते हैं, फंडिंग हासिल कर पाते हैं। तो पाकिस्तान ज़रूरी है कि वो एक ही टेररिस्ट को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जितने भी टेररिस्ट हैं उनको प्रोसिक्यूट करे, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उन पर सेक्शंस लगाए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एंटिटी, जो भी इंडिविजुअल, जो भी टेररिस्ट UNSC के रूल्स को पालन नहीं कर रहे उन सबको जो है यहाँ पे सैंक्शन लगाना जरूरी है। FATF के जो चेयरमैन थे उन्होंने लास्ट में कहा, फाइनल कमेंट दिया कि पाकिस्तान को 27 एक्शन पॉइंट जो है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, 14 तो इसने कर दिए। और पिछले अगले 4 महीने का समय इसके पास दे रहे हैं, 4 महीने में बाकी का पूरा कर दो वरना ब्लैक लिस्ट में भेज दिए जाओगे। पाकिस्तान 18 कंट्रीज में से एक कंट्री है जो कि ग्रे लिस्ट में शामिल है। और ब्लैक लिस्ट की बात करूं तो ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल है। FATF की अगर मैं बात करूं तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में ये आया था, 39 मेंबर्स ग्रुप है, 39 मेंबर्स है इसमें। इसको हेडक्वार्टर पेरिस में, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है ये, लेकिन ये G7 की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में आया था, 39 मेंबर ग्रुप है इसके। साल भर में 3 बार ये मिलती है, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि एक वार्निंग होती है, जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में होती है उसको एक वार्निंग होती है कि आप इस ग्रे लिस्ट में हो, इसका मतलब आप ढंग से काम नहीं कर रहे, और अगर नहीं करोगे तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे, जहां पे आपको फंडिंग लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा, खास करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री आती है उनको कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन कंट्रीज, कुछ ऐसा कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन कंट्रीज और नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज भी उनको कहते हैं। तो ईरान, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल है। FATF की जो लैंग्वेज थी, फाइनल कमेंट था जो चेयरमैन का, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। और पाकिस्तान को ये लगता है कि चाइना, टर्की और मलेशिया जो कि FATF में शामिल है, उनकी मदद से, उनके वीटो की मदद से ब्लैक लिस्ट में ही नहीं जा पाएगा, ऐसा पाकिस्तान को पूरा भरोसा है। और US तालिबान की जो डील चल रही है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है USA के द्वारा, तो अब इस लिस्ट में USA भी शामिल हो गया है कि USA, चाइना और ये मलेशिया, टर्की मिलकर पाकिस्तान को जो है कोशिश करेंगे कि अगर डेडलाइन ये पूरी नहीं भी कर पाए तो इसको ज़्यादा दिक्कतें फेस ना करना पड़े। और इसके जो है ये चीज़ कैसे दिख रही है, क्योंकि अभी हाल ही में US के एक ऑफिशियल ने कहा है कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है FATF के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, जबकि वो जानते हैं कि प्रोग्रेस इतनी नहीं थी। एक टेररिस्ट को जेल में डालने से कुछ नहीं होता, सदियों से जो यहाँ पे ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, तो एक को जेल में डालने से क्या होगा। तो देखा जा रहा है कि ठीक है, US भी पाकिस्तान की तरफ है, चाइना भी पाकिस्तान की तरफ है, मलेशिया, टर्की भी है,
तो एक बार अगर ब्लैकलिस्ट में ये जाने से पहले इसको जो है कुछ सहायता मिल सकती है, हो सकता है ब्लैकलिस्ट में ये नहीं भी जाएगा डेडलाइन पूरा नहीं करे तो। एफएटीएफ के जो चेयरमैन है उनकी वर्डिंग काफ़ी स्ट्रांग थी और पिछले साल यही चीज़ इन्होंने बोली थी और यही चीज़ वो अभी बोल रहे हैं। तो एक खतरा ये भी है कि पाकिस्तान ने अगर टेररिस्ट और एंटिटीज़ के खिलाफ सेंक्शन नहीं किए, उनको पनिशमेंट नहीं दी, उनके खिलाफ जो ज़रूरत एक्शन है वो नहीं किया, तो फिर भी जो है पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाने से बच जाएगा, इसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की मीटिंग आने से पहले फटाफट लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को जेल में डाल दिया फटाफट जो मीटिंग गई उससे पहले, ताकि जो है ये पता चल सके देखो पाकिस्तान कितना अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन एफएटीएफ में जब पूछा गया कि हाफिज सईद से क्या होता है, मसूद अजहर को भी तो लाओ, उसको भी तो जेल में डालो, पाकिस्तान कहता है हम तो उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मसूद अजहर को वो ट्रेस नहीं कर पा रहा, उसके देश में छुपा हुआ है, ये तो एक बहुत, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको स्क्रूटनी करनी चाहिए इस इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा कि ये स्टेटमेंट वाकई में सही है कि पाकिस्तान हवा में ही बातें कर रहा है। अब यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो है रवाना भी हो चुके होंगे, तो ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान को उसकी गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए, इसमें यूएसए का साथ ले। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आने से पहले ही पाकिस्तान ये सब कुछ कर लें, पूरे साल भर हर समय पाकिस्तान को इसकी टेरर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, ठीक है, जरूरी है। लिमिट्स ऑफ फंडिंग, दूसरा आर्टिकल हमारा है, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च फंडिंग इज बूस्टेड मोस्टली बाय पार्टनरशिप अमॉन्ग कंपनीज। देखो रिसर्च और डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, जब मैं बात करूँ भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा है, तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर आती होंगी कि बहुत कम है, बहुत जीडीपी का केवल 0.0 ऐसे परसेंट है, और ये बात आपकी सही भी है। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ मनी, पर्सनल एम्बिशन इजेंट न्यूज़, ये नई बात नहीं है कोई कि हाँ भाई रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा बहुत कम है, लोग बहुत कम है, एम्बिशन बहुत कम, ऐसा नहीं है। ये जो आरोप है लगता आ रहा, भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत को जो आज़ादी दिलाए थे जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने, उन्होंने हमेशा से साइड से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे के वो चले। और आज का समय जब हम यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी एजुकेशन है हमारी, हमने एटॉमिक एनर्जी पे काम किया, स्पेस पे काम किया, आईआईटीज हमने बनाई, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पे हमने बनाई, टेक्निकल एजुकेशन हमारी लोकल लैंग्वेज में पढ़ रही है, आज का ये समय तो ये हमारी सफलता भी है। ऐसा नहीं है कि हमने कम्प्लीटली कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ करना बाकी भी है। और जिस तरीके से इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, ये केवल सरकार के हाथों में, सरकार मर्जी से पैसा लगाती है तो उस इस पर रिसर्च होती है, सरकार मर्जी से पैसा लगाती है तो उस इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होती है, खासकर कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती है। संडे का जब आप आर्टिकल पढ़ते होंगे द हिंदू का, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे कुछ न्यूज़ दिखती होगी कि आईआईटी बेंगलुरु ने ये कर दिया, आईआईटी जो मद्रास ने ये कर दिया, आईआईटी दिल्ली ने ये कर दिया। और ये आईआईटीज ये सब क्यों कर रही हैं, मतलब लो लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम नहीं है इतना, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट, एक तो और प्राइवेट सेक्टर का नाम क्यों नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई इन्वेंशन कर दिया। तो एक तो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लेवल के, वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो इन्वेंशंस कर रहे हैं, लो लेवल के नहीं कर रहे। और प्राइवेट सेक्टर तो नदारद है, प्राइवेट सेक्टर की तो पार्टिसिपेशन बहुत कम है, केवल 28% प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है, शेयर है रिसर्च स्पेंड में। पब्लिक फंडेड रिसर्च हमेशा से की गई है ताकि टेक्नोलॉजी आ सके, और ये पब्लिक फंडिंग सरकार की तरफ से आती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल फर्म्स उनका काफ़ी कम शेयर रहा है, और वो उनको कभी भी इंसेंटिवाइज नहीं किया गया सरकार की तरफ से कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, मैंने कोई दवाई बनाई, मैंने कोई वैक्सीन बनाई तो मैं उसका एक पेटेंट बना लूँगा, क्योंकि मैंने बनाई, मेहनत किया ना मैंने, तो अब उसको कोई भी मार्केट में मेरी इजाज़त के बिना नहीं बेच सकता। मैं अपना पेटेंट बेच के किसी को इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मुझसे पैसा कमा सकता हूँ, इज्जत कमा सकता हूँ, मेरी मेहनत का फल उससे मिल सकता है, लेकिन मैं ऐसा रिसर्च करूँगा क्यों, 5-10 साल में रिसर्च करूँ, वैक्सीन बनाऊँ, ऐसा मुझे क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं। तो सरकार की तरफ से यही इस लाइन की जा रही है कि इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा प्राइवेट सेक्टर को कि वो इन्वेंशन करे। हाँ, सन 2000 के बाद से अब फिर भी जो है प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा बहुत अभी पॉलिसी मेकर्स ध्यान देने लगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा शेयर रखते हैं, क्योंकि केवल 28% जो रिसर्च, जितनी भी रिसर्च होती है हमारे देश में, 28% केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथों होती है, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, 2014
4 से 2005 में ये 28% थी और आज 2016-2017 में ये 40% है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग है रिसर्च में बढ़ी है, सन 2000 से स्पेंडिंग बढ़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। क्यों, मैं से कैसे कह सकता हूँ 40% शेयर तो है, क्योंकि मैं जब यूएसए चाइना को देखता हूँ तो ये जब आज इंडिया के बराबर थे, जब इंडिया की जितनी इनकम थी इनकी, तो इन्होंने जितना रिसर्च में स्पेंड किया उतना आज इंडिया नहीं कर रहा है। और इसी के कंपैरिजन में कह सकता हूँ कि अभी भी पूरे एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। इतिहास को देखते हुए देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सीखा इससे और अब कोशिश की जा रही है कि 40 करोड़ तक का टारगेट लिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडियन फर्म्स हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो जिनकी इंडियन सब्सिडरीज हो, वो 40 करोड़ तक की स्पेंडिंग इन रिसर्च में करें। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की है, प्राइवेट सेक्टर की मनी को लाने की कोशिश की है। जब से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की बात आई है, तब से ये चीज़ें कोशिशें की जा रही हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट भी आए, प्राइवेट कंपनीज भी आए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी मिलकर साइंटिफिक रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इससे कोई काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी काफ़ी बढ़ी नहीं, इतने पेटेंट हमारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निकल के आए नहीं। और इंडिया का जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो केवल कुछ ही साइंटिस्ट तक फैला हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस तक फैला हुआ है, IITs हो गए, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, और प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत कम कैपेसिटी है कि वो इतने सारे साइंटिस्ट को एब्जॉर्व कर ले, नौकरियां दे दे, रिसर्च करवा ले, क्योंकि और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर कोई और इन्वेस्ट करता भी नहीं है ना, क्योंकि एक होता है आपका गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होगा, आप सुन भी रहे हो, गेस्टेशन पीरियड होता है कि कितना आप पैसा लगा रहे हैं और कब आपका प्रॉफिट होएगा। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होएगा तब तक आपका गेस्टेशन पीरियड कहलाएगा। कोई बीमारी है तो बीमारी चल रही है, अब उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा उसमें इन्वेस्टमेंट भाई। कोई भी वैक्सीन अगर जैसे अभी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो बीमारी है उसके लिए जो ऑलरेडी वैक्सीन है, अब वो वैक्सीन उसके लिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो अब नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के पास दो मुश्किलें हैं, एक तो पैसा इतना, दूसरी बात वो जो वैक्सीन बनाएगा फिर वो आउटडेट हो जाएगी कुछ सालों बाद, और हो सकता है वो वैक्सीन काम ही नहीं करे, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट भी होएगा नहीं होएगा। और ख़ास बात ये है, सबसे मैं खास तो क्या बोलूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कुछ बीमारी है जो कुछ ही लोगों को होती है लेकिन बहुत डेंजरस होती है, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर काम ही नहीं करता, क्योंकि इन बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाओ तो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, और बीमारियाँ भी कुछ ही लोगों को हुई तो इतना पैसा भी लौट के नहीं आएगा वापस कंपनियों के पास, प्रॉफिट नहीं होएगा। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव कहाँ मिले, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव कहाँ मिले, प्राइवेट सेक्टर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता। प्राइवेट रिसर्च फंडिंग अगर आपको करानी है तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए कंपनीज की और डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें पैसा सेंट्रली फंडेड हो, यानी पैसा जो है सरकार अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे, उनको मजबूर करे कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करो, मिलो, दोनों मिलके काम करो, और उस लेवल तक हमको पहुँचना पड़ेगा। प्राइवेट फंडिंग बढ़ रही है, ऑफकोर्स बढ़ रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँची है जहाँ पे इस सेंट्रल फंडिंग, सरकार की फंडिंग प्राइवेट सेक्टर को ला सके और प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से अपना शेयर इसमें बढ़ा सके। CSIR को, जो हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो कि हमारी 1942 में आया था और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको फंडिंग मिलती है। हालांकि सोसाइटी, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट जो आपका 1980 है कुछ ऐसा ही है, इसके तहत ये सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है, हालांकि किसी मिनिस्ट्री के साथ ये जुड़ी हुई नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको फंडिंग देती है कि ऑटोनॉमस बॉडी है पूरी तरीके से ऑटोनॉमस, 1942 में आई थी, चेयरमैन इसके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन है और उसके कई राज्यों में लेबोरेटरीज फैली हुई है। CSIR इतने इन्वेंशन करती है, आपको पता है दिन ब दिन न्यूज़ में आता रहता है। CSIR की लेबोरेटरीज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन भी किए हैं, टेक्नोलॉजी भी बनाई, लेकिन यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो CSIR लेबोरेटरीज को मजबूर किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर के साथ तो काम करें, CSIR को फंडिंग बढ़ाई जाए ताकि स्मॉलर लेवल पे कोऑपरेशन आ सके। भाई बड़े लेवल पे तो कोऑपरेशन हो रहा है, बड़े लेवल पे तो प्राइवेट सेक्टर 40% अपना जो शेयर दे रही है, लेकिन लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, लोअर लेवल पे तो गवर्नमेंट को भी जो करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तब तक कितना भी पैसा सरकार बहा दे, जब तक प्राइवेट सेक्टर लोअर लेवल पे कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, शेयर नहीं बढ़ाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। यूथ कैन बी ए क्लियर एडवांटेज फॉर इंडिया,
काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इंडिया की पॉपुलेशन अब यंग होने वाली है, होती हो रही है, दुनिया बूढ़ी होती जा रही है, दुनिया में जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। भारत ही ऐसा देश है जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और सुनने में काफ़ी खुशी होती है कि 2022 तक हमारी एवरेज एज भारत में 28 साल रहेगी, चाइना में एवरेज एज लोगों की 37 साल रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी 37 रहेगी, वेस्टर्न यूरोप में 45 रहेगी, जापान में 49, जापान में तो लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे। जापान कोशिश भी कर रहा है कि लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करे, चाइना भी अब कोशिश कर रहा है कि लोग बच्चे पैदा करे ताकि वर्किंग पॉपुलेशन रहे, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन रहती है तो अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती है, देश में डेवलपमेंट होता है, देश की जो बैकबोन है वो बनी रहती है। इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में आने वाले सालों में जो जवान जो लोग होंगे जिनको नौकरियों की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और नॉन वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो इतनी परसेंटेज में नहीं रहेगी, बढ़ेगी तो सही लेकिन इतना परसेंटेज उनका नहीं रहेगा। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो काफ़ी हमारे 5 दशकों के लिए अवेलेबल है, अभी 5 दशकों तक हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है कि हम $5 trillion की इकोनॉमी का $10 trillion की इकोनॉमी भी हम अचीव कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसके सामने आ रही है। दो प्रॉब्लम की यहाँ पे बात हो रही है, पहली बात तो ये कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो एवरेज एज में बताई जा रही है आर्टिकल में 28 साल, अभी ऊपर बताया था ना 28 साल एवरेज एज, अगर 28 साल बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो है हर किसी की उम्र मोस्टली 28 साल होगी, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे वहाँ पे हेट्रोजीनियस जो आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम्स में। जैसे कि अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला में पॉपुलेशन काफ़ी बूढ़ी होती जा रही है, और बिहार में भी जो है पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, और 22 मेजर स्टेट्स में 11 में से 2031 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी गिर जाएगी। तो आप फिर आप बोलोगे फिर इतने स्टेट्स में वर्किंग एज पॉपुलेशन गिर रही है तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया का ओवरऑल वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि एवरेज है ना, कुछ स्टेट्स में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है कुछ एज में, कुछ स्टेट्स में वर्किंग एज पॉपुलेशन घट रही है, कुछ राज्यों में जवान लोग ज़्यादा हैं, कुछ राज्यों में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, कुछ राज्यों में बच्चे ज़्यादा हैं, कुछ राज्यों में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। तो एवरेज अगर हम निकालें तो पूरी दुनिया से सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के अगर अंदर की बात करूँ तो केरला में वर्किंग एज पॉपुलेशन की कमी है, तो ऐसे स्टेट्स में हमको इनइक्वालिटी देखनी पड़ेगी। तो इसको भी हमको कभी ना कभी सोल्व करके देखना पड़ेगा कि समय पर जिनको सब ज़्यादा ज़रूरत हो, बिहार यूपी में जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उनको नौकरियों की ज़रूरत हो। दूसरी प्रॉब्लम, जितने ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा जवान लोग होंगे उतने ही उनको नौकरियां चाहिए, उतने ही उनको एजुकेशन चाहिए, उतने ही उनको स्वास्थ्य चाहिए, उतना ही उनको स्किल चाहिए। इसके लिए हमको ना केवल लैंड और लेबर पॉलिसीज लानी पड़ेगी बल्कि गुड गवर्नेंस पे हमको करनी पड़ेगी। इंडिया को डेमोग्राफिक जो डिविडेंड जिसको कह रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये डेमोग्राफिक जो हमारी जो पॉपुलेशन है अभी वो कैसी होगी जवान, डिविडेंड मतलब उसका फ़ायदा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी आ सकता है जब हमारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बिल्कुल इसी के तहत अलाइन हो, बिल्कुल इसी में काम कर रही हो, मतलब नौकरियों पर नौकरियां दे रही हो जवानों को, ठीक है। और एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जब भी आप चाइना, जापान और साउथ कोरिया की हिस्ट्री देखते हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कैसे हासिल की, तो आप देखते हैं कि जब इनके लोग जवान हुए थे, वर्किंग एज पॉपुलेशन आई थी, तो इन देशों ने नौकरियों पर नौकरियां, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल दी, तब जाके ये लोग आज जहाँ पे है वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और इसी वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए हैं क्योंकि उन्होंने गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और इम्प्लॉयमेंट दी। इकोनॉमिक सर्वे 2019 भी ये कहता है कि हमको जितनी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी हमको नौकरियां देनी चाहिए, हमको एक वर्कफोर्स की ज़रूरत है जो ना केवल वेल एजुकेटेड हो बल्कि अप्रोप्रिएटली स्किल्ड हो। UNSCF की 2019 की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि 2030 तक जब लोग रोज़गार लेने, मतलब 2030 तक जो हमारी रोज़गार में इस तरीके की स्थिति होगी कि आज के जो इंडियन यूथ हैं 47% ऐसे हैं जिनको 2030 तक सुटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी। मतलब 2030 में जो क्या हो रहा है अभी दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डाटा टेक्नोलॉजी आ रही है, बिल्कुल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो उन्हें स्किल भी चाहिए ना, स्किल चाहिए 2030 तक, अलग अलग स्किल चाहिए। आज जो आपके पास स्किल है वो 10 साल बाद आउटडेट हो जाएगी। तो 47% जो हमारे भारत के जो यूथ हैं उनमें वो जो स्किल है वो 2030 में काम नहीं आएगी। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिज़ास्टर में नहीं बदल जाए, क्योंकि
ये जो अंडर स्किल्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है और फ्रस्ट्रेटेड यंग पॉपुलेशन है जिनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो सड़कों पे आएंगे, वोलेंस करेंगे, ये हमारी देश की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और इससे सोशल हारमोनी और अर्थव्यवस्था भी ख़राब होती है। हम अभी खुशी की बात है कि हमारे जो भारत के जो बच्चे हैं 95% प्राइमरी स्कूल जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, 95% बच्चे प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी हालत कैसी है एजुकेशन के मामले में। हमारे बच्चे भले ही अब गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा इनरोल हुए हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चा पीछे रह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, टॉयलेट्स वगैरह साफ नहीं रहते, पानी की समस्या है, तो लड़कियां आती नहीं हैं क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह की समस्या रहती है, हाइजीन वहाँ पर नहीं होती, फैसिलिटी सही नहीं होती, टीचर्स तो टीचर ही नहीं आते। तो इंडिया को अगर नॉलेज इकोनॉमी बनना है तो स्कूल में तो काम करना ही पड़ेगा। स्कूल में काम नहीं करेंगे तब तक नॉलेज इकोनॉमी की बात तो हवा में रह जाएगी। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर अटेंशन वास्तव में दी जाए गवर्नमेंट स्कूल्स को तो बहुत कुछ बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन होती है तो जेंडर पैरिटी आती है, यानी लड़की लड़कियों में जो डिफरेंसेस कम होते हैं, समानताएं बढ़ती हैं और लोग प्रोडक्टिव जिंदगियां जीने पे काफ़ी ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर चाहिए हमको ताकि हम राज्यों को मजबूर कर सके, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को मजबूर कर सके कि आप खुद की एक यूनिफॉर्म खुद की बना लो, हम फोर्स नहीं कर रहे, केंद्र सरकार ऐसे कहते हैं, खुद की ब्रॉडली यूनिफॉर्म पब्लिक स्कूल सिस्टम बनाओ। कोशिश ये करो कि प्राइवेटाइजेशन की बजाय गवर्नमेंट स्कूल जो है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ आप सुधारो, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन पे इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता जितना गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको मिलेगा। जितने भी आज ज़िले हैं हमारे, जितने भी आज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में बहुत अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है और पब्लिक स्कूल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, कोई भी पब्लिक स्कूल सिस्टम हो, कि वो आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कल की नौकरी लेने के लिए स्किल्ड हो जाए, ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए, कॉलेज में अच्छा उसको मिल जाए। और मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ के उसने जो है वो मजबूर हो रहा है, पीएचडी कर ली चपरासी की नौकरी करने मजबूर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि कई बार जो है चपरासी के फॉर्म आते हैं उसमें सीए भी चपरासी के फॉर्म देने को मजबूर है, पीएचडी वाले पीएचडी धारक भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। तो जो ये जो पूरी जो हमारी जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको हम डिजास्टर में ना बदलने दें, इसके लिए हमको स्कूल के सरिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, टीचर की ट्रेनिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार ने अपने जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM और ऑक्सफोर्ड, इन सब में टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा था ताकि वो सिलेबस से बाहर निकले और ना केवल टीचर का बल्कि एक लीडरशिप रोल भी निभाए। इसके लिए हमको केवल ऐसा नहीं है कि हम हवा में ऐसी बातें कर सकते हैं, इसके लिए वास्तव में आपको ह्यूमन कैपिटल बनानी पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल बनानी पड़ेगी, आपको क्लासरूम्स वर्चुअल करने पड़ेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, साफ सुथरे स्कूल आपको रखने पड़ेंगे, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि जो वर्कफोर्स बहुत तेज़ी से आने वाली है हमारे देश में कुछ सालों में, जिनको नौकरियों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उनके लिए हम प्रॉपर जॉब्स उनको दे सके। ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ में हमको पैसा लगाना पड़ेगा और यही हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वुमेन की अगर मैं खास करके बात करूँ, वुमेन फीमेल की लिटरेसी बढ़ रही है, फीमेल अब पहले से ज़्यादा खुश है, हाँ इतना नहीं है लेकिन फीमेल लिटरेसी बढ़ी है, फीमेल को पहले से ज़्यादा फ्रीडम है और फीमेल को अब नौकरियाँ भी चाहिए, हमारे देश की महिलाओं को अब सुटेबल नौकरियाँ चाहिए। नौकरियाँ कैसे मिलेगी जब उनके पास स्किल होगी, अब उनको भी स्किल देने की ज़रूरत है। अब स्किल लेना एक महिला के लिए और पुरुष के लिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको पता है, एक पुरुष कहीं भी आ जा सकता है, शहर के बाहर, राज्य के बाहर, देश के बाहर पढ़ सकता है, लेकिन महिलाओं को गांव में भी शहरों में भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो कोशिश ये की जाए कि ऐसे क्लासरूम्स बनाए जाए या तो ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर्स बनाए जाए, ओपन डिजिटल ट्रेनिंग बनाया जाए ताकि महिलाएं घर बैठे बैठे एजुकेशन ले लें। और कोशिश ये की जाए कि घर बैठे बैठे नहीं तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ लाए जाए कि महिलाएं कहीं भी ट्रेनिंग लेने से हिचकिचाए नहीं। इसके लिए जॉब पोर्टल्स बनाने जरूरी हैं ताकि घर पर भी अगर औरत काम करना चाहती है तो घर पर कर सके, हो सकता है उसको बाहर आने की जरूरत ना पड़े। तो इक्वल पे फॉर वुमेन भी जरूरी है कि वुमेन को जो पुरुषों को जो पैसा मिल रहा है वही पैसा वुमेन को भी मिले, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। और क्योंकि महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ी तो हमारी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा जो है ऊंचाई हम छू लेंगे। इस साल देखा गया काफ़ी नौकरियों में जॉब लॉस हुए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रियल इस्टेट हो, आई टी सेक्टर हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि करोड़ों लोगों को नौकरियाँ देता है,
ये एक अलार्मिंग फॉल है, ये बहुत ही वार्निंग की तरह है कि प्राइवेट कंजप्शन किस कदर गिर रहा है। क्योंकि अगर नौकरियां नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं, जो आईटी सेक्टर है, वो लोगों को रोज़गार पे नहीं रख रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंजप्शन नहीं होगा। भाई मेरे पास अगर सैलरी नहीं आ रही तो मैं खर्चा क्यों करूँ बाहर जाके, मैं कपड़े क्यों खरीदूँ, मैं रेस्टोरेंट में क्यों जाऊँ, मैं कोई मूवी देखने क्यों जाऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। तो प्राइवेट कंजप्शन अगर गिरेगा तो यहाँ पे इकोनॉमी भी को भी बैकलॉग लगेगा, और यही हो रहा है। इकोनॉमी में प्राइवेट कंजप्शन बढ़ाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमको इकोनॉमी को वापस लाना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हमको देनी ही पड़ेगी। भारत जैसी अगर देश की बात करूँ तो पॉपुलेशन की जो हेल्थ, अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो हमारे देश में 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर नहीं बढ़ रहे। डॉक्टर बढ़ भी रहे हैं तो वो पैसा कमाने के मोटिव से आते हैं गाँव में, और पैसा कमाने के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते नहीं है टाइम से, और प्राइवेट क्लिनिक और खोल रखे हैं। क्या हालत आपको पता है? ये चीज़ें हवा में नहीं बोल रहा मैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डाटा का है ये, किस तरीके से देश में जो है रूरल इकोनॉमी में अगर डेंट लगता है, क्योंकि अब देश में स्लो डाउन चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अमीरों को फर्क पड़ेगा, गरीबों को नहीं पड़ेगा, गरीबों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है रूरल इकोनॉमी में, तो वो स्वास्थ्य पर पैसा कम खर्च करते हैं। और ये देखा गया, ये सर्वे किया गया, डाटा देखा गया कि आज जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में कम जा रहे हैं, पहले ज़्यादा जाते थे क्योंकि पैसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत पैसा लेते हैं, बहुत फीस होती है उनकी, और लोगों के पास पैसा है नहीं तो लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत काफ़ी ख़राब है। आप जानते हैं कि डॉक्टर कितना टाइम पे आ जाता है, कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, कितने बेड्स होते हैं, कितने डॉक्टर्स होते हैं, और किस तरह की कि वो केयर केयर करते हैं। सेंट्रल बजट ने भी जो है ये कोशिश की कि अब इस चीज़ को कैसे ना कैसे सोल्व की जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से पैसा ला के जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, और कोशिश ये की जाए कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में भी कोशिश की जा रही है किसी तरीके का काम हो। इससे जो है अब टोटल अगर मैं ओवरऑल इसकी बेनिफिट की बात करूं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड है उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनका पैसा बढ़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को इस हेल्थ सिस्टम में ले लें, लेकिन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो इतनी ख़राब हालत में हैं, जिनकी हालत बर्बर है, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर का जो बजट है 70% पैसा ऑलरेडी जो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, प्राइमरी हो, इंटीग्रेटेड हो, उनको सॉल्व करने में लगे, उनके सिस्टम को बढ़ाने में लगे। और कोशिश ये की जाए कि डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज हैं, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल हैं, ये सब में बढ़ोतरी हो, इंप्रूवमेंट हो, और इस काम को मिशन मोड में पूरा किया जाए, मिशन के तौर पर लिया जाए। हमारे देश में जो नॉन वर्किंग पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो 2011 में 8% थे, 2040 में 16% हो जाएंगे। तो बूढ़े लोग भी बढ़ेंगे लेकिन उनके मुकाबले जवान लोग, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जा रही है। तो बुजुर्ग लोग भी बढ़ेंगे तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको स्वास्थ्य की ज़्यादा जरूरत होगी। हॉस्पिटल में बेड की कमी वैसे भी है तो हॉस्पिटल बेड्स हमको लाने पड़ेंगे, ठीक है, वरना जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड है, भाई एक आदमी पे मतलब एक जगह पे कितने हॉस्पिटल बेड हैं, 1,000 लोगों पे कितने हैं हॉस्पिटल बेड है, एक आदमी को कितनी जो पॉसिबिलिटी है कि उसको एक हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये जो है काफ़ी रिड्यूस हो सकती है अगर यहाँ पे इस तरीके से बुजुर्ग बढ़ते गए तो। और हम रोक तो नहीं सकते कि अब इनको बढ़ने से कि बुजुर्ग को रोक नहीं सकते, बढ़ेंगे जब वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। इसके लिए हमको पीछे हटना चाहिए, हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो भी दिक्कत तैयारी सब सोल्व हम कर सकें, जो पॉलिसीज हम अडॉप्ट करें और जो भी उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। तो इसमें ये कोशिश की जानी चाहिए कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, उसके तहत हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बून बन के निकले, एक वरदान बन के निकले, ना कि श्राप बन के निकले, ठीक है, ये जरूरी है। बैटलिंग फॉर दी ड्राउन टोडन दलित्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक दलित था, उस दलित को जो लोग हैं वो बेल्टों से मार रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है ये वीडियो थी, और काफ़ी ज़्यादा धक्का भी मुझे लगा कि आज जब हमारा संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 17 में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी रोकने की बात करता है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। और घटनाएं सामने आ रही है उसके बावजूद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया जिसमें उसने कहा कि फंडामेंटल की रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये केवल एक इनेबलिंग प्रोविजन है। मतलब इसके तहत आपको फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन अपने आप में ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा ही।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उल्टा इसका अलग ऑर्डर दिया था 2012 में, इसको अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक जजमेंट दी जिसमें कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट्स को हम राज्य सरकारों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिजर्वेशन दें, और राज्य कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले हमको डाटा बताएं कि डाटा में ये देखें कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। बिना डाटा के आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आपको बताना होगा कि आपके देश में, आपके राज्य में कितने जो आपके दलित हैं, जो SC जो ST कम्युनिटी हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, क्या वास्तव में उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या वास्तव में उनको शिक्षा नहीं मिल रही, क्या वास्तव में उनका प्रमोशन में कमी आ रही है, तब जाके आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अब इस चीज़ का काफ़ी निंदा भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है, क्योंकि जब भी रिजर्वेशन देने की बात हो तब डाटा ले लिया जाए। भाई सरकार को रिजर्वेशन देना, जब तो सरकार कड़ी मेहनत करके डाटा इकट्ठा करे, और जब सरकार को रिजर्वेशन नहीं देना तो उसके लिए डाटा इकट्ठा करना ही नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ किसी राज्य का, मेरे को अगर किसी मेरे को रिजर्वेशन देना है अपने लोगों को, तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेरे को डाटा देना पड़ेगा, और मेरे को रिजर्वेशन नहीं देना तो उसके लिए डाटा देना ही नहीं पड़ रहा, मेरी इच्छा, फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो ये तो बहुत उल्टी चीज़ हो गई ना कि रिजर्वेशन देना है जब तो सरकार को मुश्किलें खड़ी कर दी डाटा इकट्ठा करने के लिए, और रिजर्वेशन नहीं देना जब सरकार के पास आसान काम है डाटा देना ही नहीं पड़ रहा, मेरी बात को समझो। तो यहाँ पे सरकार किस चीज़ में हिचकिचाएगी, रिजर्वेशन देने में लेने में, रिजर्वेशन देने में या नहीं देने में? तो यहाँ पे कोर्ट को जो है, यहाँ पे ये काफ़ी जो डिसीजन है इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और बेसिकली जिस तरीके से अनटचेबिलिटी बढ़ रही है उसके देखा गया कि ये सब कुछ होने के बावजूद उत्तराखंड पे पूरा डिसीजन दे दिया गया सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आपकी मर्जी, डाटा है आपके पास तब तो रिजर्वेशन दो वरना मत दो। अब इस आर्टिकल में डाटा है, डाटा ये है कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी बढ़ती जा रही, किस तरीके से अनटचेबिलिटी आज भी मौजूद है। तो जो डाटा है उसका यूज़ UPSC में कम ही होता है। तो एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ। उत्तराखंड में सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया कि कितने लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। 47% लोगों ने कहा हाँ अनटचेबिलिटी वो करते हैं। ख़ास तौर पे देखा गया कि जो फॉरवर्ड कास्ट पीपल हैं, हाई कास्ट के लोग हैं, आधे ज़्यादा अनटचेबिलिटी करते हैं। और अगर मैं गहराई में जाऊं तो पता चलता है गांव में 68% ब्राह्मण, और चौंकाने वाली बात यह कि अर्बन एरियाज़ में जहां पे माना जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे 77% ब्राह्मण अनटचेबिलिटी करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक डाटा ये भी आपके सामने है कि दलित अंडर रिप्रेजेंटेड है हेल्थ में, एजुकेशन में, नौकरियों में, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इनको इतनी मौके अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये ओवर रिप्रेजेंटेड भी है, यानी इनको काफ़ी ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन भी निकाय कहाँ पे, लो ओनरशिप में, पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। देश में एजुकेशन दलित को कम मिल रहा है, और गरीबी सबसे ज़्यादा दलित को मिल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन अच्छी चीज़ों में कम है, ओवर रिप्रेजेंटेशन बुरी चीज़ों में ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट के ऊपर डाटा है कि 2013 में देखा गया हमारे देश में 17% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है, 17%। रूरल एरिया में उनका शेयर केवल 5% है। एग्रीकल्चर लैंड की बात करूँ तो केवल 5% है, और बिल्डिंग असेट्स की मैं बात करूँ तो 8% है। और उल्टा हाई कास्ट आपका डाटा आप देख सकते हो 39%, 41%, 39% रेस्पेक्टिवली। अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट की जो टोटल वेल्थ की बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट का केवल 4% है, लैंड में 6% और बिल्डिंग में 2.6%। हायर कास्ट का आपके सामने डाटा मौजूद है, 45, 76 और 21। अगर आपको डाटा लिख सकते हो तो लिख लो, क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखना ज़रूरी भी है। अच्छा, इस आर्टिकल में और क्या कहा जा रहा है मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। सदियों से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और अभी तो फिर भी इतना नहीं हो रहा, लेकिन पहले गुलाम बना दिए जाते थे। 600 BC से ही हो रहा है कि जब राजा इन लोगों को गुलाम बनाए रखते थे, जब से एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी बड़ी है तब से इन लोगों को स्लेव बनाया जाता था। आज स्लेवरी हमारे देश में नहीं है, गुलामी वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लेवरी की फॉर्म्स मौजूद है। इसके लिए हमको ना केवल इतने सदियों से, सालों से जो अत्याचार हुआ दलितों के ऊपर,
उसका कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा, बल्कि आज इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एजुकेशन में अगर हम रिजर्वेशन देते हैं, एम्प्लॉयमेंट में अगर हम रिजर्वेशन देते हैं, तो हम आज के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं दलितों को। पिछले कुछ सालों से जो अत्याचार हुआ उसका भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो हायर कास्ट के लोग जो इतने आगे बढ़े, वो किस कॉस्ट पे बढ़े, किसका शेयर छीन के बढ़े, दलितों का, लोअर कास्ट का। तो इतने सालों से जो अत्याचार झेलना पड़ा, इतने सालों से जो इन्होंने वो सुख नहीं देखा, उसका कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा। और इसके लिए रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि कई चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। पूरा आर्टिकल का इसेंस ये है, मेकिंग द सुपर रिच पे फॉर देयर फेयर शेयर। फाइनेंशियल ओपेसिटी की बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जब आपको सब कुछ आर पार दिखता है। ओपेसिटी क्या होती है? जब सब कुछ बंद, मतलब कुछ भी आपको नहीं दिखेगा उसके आर पार। फाइनेंशियल ओपेसिटी क्या होती है? कि जब कोई कंपनी कितना टैक्स दे रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही है, वो उसको कुछ भी अता पता नहीं हो सरकार को। फाइनेंशियल ओपेसिटी इसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी आज हमारे देश में एक तबू बन रही है, मतलब ट्रांसपेरेंटी नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार को पता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कंजप्शन गिर रहा है, जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट डाटा छुपा रही है। प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि सब कुछ सही चल रहा है, और यही चीज़ यूनियन बजट में देखी गई। तो ये डाटा की जो ओपेसिटी, इसी को ही कहते हैं डाटा की ओपेसिटी, ये न केवल सरकार में है बल्कि ये फंड जो जनरेट होते हैं कंपनियों के द्वारा, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स ओपेसिटी देखी गई है। कैसे? कोई कंपनी यहाँ कमा रही है पैसा, बाहर पैसा भेज रही है। आपको पता है ब्लैक मनी की हालत कितनी ख़राब है हमारे देश में? कितना पैसा, कितने लोग जो हैं स्विस बैंकों में जमा कराए रखे हैं, और टैक्स से वो बच जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी टैक्स नहीं देती, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्राइबरी होती है। इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा, इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट में भी आया था कि इंडिया ने हाल ही में, इंडिया को करना भी पड़ेगा, इंडिया ने किया भी है। ग्लोबल फाइनेंशियल सीक्रेसी, दुनिया में जिस तरीके से सीक्रेट तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें जिन जिन कंट्री की भागीदारी है उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। यानी इंडिया ने अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि इसने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर डील की है कि आप एक हमको बता देना कि जितने भी हमारे बैंक अकाउंट वहाँ पे हैं उनमें अगर इतने अमाउंट से ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है तो आप मुझे बता दो कि कौन है वो आदमी। ये स्विट्जरलैंड के साथ हमने डील की, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बावजूद भी हमारी इंडेक्स क्यों गिरी है फाइनेंशियल सिक्रेसी के मामले में? बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, चलो थोड़ी बहुत तो बढ़ती और बराबर रहती, गिरी क्यों इतना कुछ करने के बाद? इसकी एक वजह यह है कि बहुत सारी कंट्रीज़ आज इस इंडेक्स में जुड़ गई हैं, तो इस वजह से भी रैंक प्रभावित होती हैं। जब ज़्यादा कंट्रीज जुड़ जाती हैं तो रैंक गिरती है, लेकिन अंदर अगर मैं गहराई में जाऊँ तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। स्विट्जरलैंड के साथ हमने डील की कि जो टैक्स इन्फॉर्मेशन आप हमको दोगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको दोगे। स्विट्जरलैंड जैसी कई कंट्रीज़ के साथ हमने डील की, और कोई भी स्विस बैंक भारतीय सिटीजन अगर खोल रखा है और उसमें अगर एक अमाउंट से ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा। फाइनेंशियल हेमोरेज, हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, जिस तरीके से लीकेज हो रहा है फाइनेंशियल, हमारे देश का जो फाइनेंशियल लीकेज है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं जितना उनको देना चाहिए, बड़े बड़े जो लोग हैं इंडियन इलाइट्स जो हैं, फॉरेनर जो है, पैसा यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। सदियों से इसने हमारे देश की डेवलपमेंट को रोका है, डेवलपमेंट को होने ही नहीं दिया। दशक हो गए यहाँ पे इस चीज़ ने हमारी डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की है। और मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरीके से इस आउटडेटेड इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम का फ़ायदा उठा के अपने टैक्स शिफ्ट कर देती है, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। कैसे कर देती है? भारत में गूगल मान लो, गूगल के कोई और कंपनी मान लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रही है। भारत कहता है यहाँ प्रॉफिट कमाओगे 30% पैसा लूँगा, 30% टैक्स लगेगा। हांगकांग कहता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे तो 20% टैक्स लूँगा। अब गूगल को हमारे देश में ऑपरेट तो करना है ही, ऐसा तो है नहीं कि हांगकांग में अपने कस्टमर रखे, इंडिया में बिजनेस करना है, प्रॉफिट भी कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो 30% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं कि इंडिया का प्रॉफिट कमा रही है, इंडिया में जो प्रॉफिट कमा रही है वो हांगकांग में जाके बता देती है कि देखो मैंने ये है जो हांगकांग में कमाया, और हांगकांग में टैक्स कम लगता है। इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठाते हुए 2014 में देखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट को $27 बिलियन का लॉस हुआ था।
सन 2000 में 142 मिलियन डॉलर का जो लॉस हुआ था, 2014 में 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इतना ज़्यादा लॉस हमको हो रहा है। गवर्नमेंट को बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा और बनाया भी। बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर क्या होता है? देखो, बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होती है, मेरी कोई ज़मीन है, मेरा कोई एसेट है, वो मेरी ओनरशिप है, उसमें मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन मैं किसी और को उसके फ़ायदे पहुँचा रहा हूँ, कोई और इसका बेनिफिशियरी है। जैसे कोई भी अगर विदेशी आदमी भारत में इन्वेस्ट करता है तो अपना जो फंड अगर वो देता है, अपना अगर कोई भी पैसा लगाता है, अगर वो कोई भी इंडिया में कोई आदमी मौजूद है अगर उस फंड को मैनेज करता है, जैसे मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, करोड़पति हूँ, मैं विदेश रह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं भारत में इन्वेस्ट करूँ, और भारत में मैं इन्वेस्ट करने के लिए इतना समय है नहीं कि मैं पर्सनली आके देखूँ, तो मैं एक आदमी लगा रखा हूँ भारत में जो मेरा पैसा जो इन्वेस्ट करता रहता है, तो असेट जो पैसा है उसका ओनर मैं हूँ, लेकिन मैंने जो कर रहा है तो बेनिफिशियरी कौन है? और हो सकता है मैं उसको जो है ट्रांजेक्शन के पैसे भी दूँ, थोड़ी थोड़ा कंपनसेशन भी दूँ, कई चीज़ें दूँ। तो बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होती है कि असेट किसी का फ़ायदा कोई उठा रहा, इसका रजिस्टर हमको बनाना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि देश में जितने भी असेट हैं वो किसके नाम है और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है। लेकिन कानून बहुत कमज़ोर है, हमने बना भी दिया रजिस्टर लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं इसकी कमियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमने कोशिश की 3 साल पहले कि गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज देश में ही बनाए, ऑनशोर होता है, ऑफशोर होता है, ऑनशोर मतलब जो देश में है, ऑफशोर मतलब बाहर, ऑनशोर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज बनाने की कोशिश की, खास करके गांधीनगर में हमने जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ लूप होल्स नज़र आए, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ी और उल्टा फाइनेंशियल जो फर्म्स हैं इसका फ़ायदा उठा लिया, इसमें जो कमी थी और इससे परिणाम काफ़ी गलत आए। गवर्नमेंट ने तब तक कोशिश कर की कि टैक्स इंसेंटिव दी जाए। टैक्स इंसेंटिव कैसे? अभी एलिफेंट बॉन्ड न्यूज़ में था, एलिफेंट बॉन्ड आपके न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो एक तरीके के बॉन्ड्स हैं जिनमें, जैसे मान लो मेरे पास 250 करोड़ रुपए का काला मनी है, ब्लैक मनी है मेरे पास, काला पैसा है, अब मैं सरकार को दूंगा तो सरकार मारेगी मेरे को पकड़ के। तो अब सरकार ने क्या किया, एलिफेंट बॉन्ड अलाउंस कर दिया। एलिफेंट बॉन्ड का मतलब है अगर मैं एलिफेंट बॉन्ड 250 करोड़ रुपए देता हूँ सरकार को और वो एलिफेंट बॉन्ड अगर खरीद लेता हूँ तो वो ना मुझे सजा मिलेगी, मेरा पैसा जो गया वो पैसा सरकार किसी जगह इन्वेस्ट कर देगी, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, और पैसा जो लौट के आएगा प्रॉफिट वो मुझमें शेयर होगा, तो ना मुझे सजा मिली, ब्लैक मनी मेरे से प्रॉफिट में, ब्लैक मनी सरकार के पास जाएगा, सरकार सही जगह पैसा लगाएगी, उल्टा मेरे को प्रॉफिट भी मिलेगा, सरकार को भी फायदा, ब्लैक मनी रखने वाले को भी फायदा, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन देखा गया कि लोग यहाँ पर भरोसा नहीं जता रहे, लोग एलिफेंट बॉन्ड्स को और इस तरीके की इंसेंटिव्स को नहीं जो है यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थी और स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे को चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ये चीज़ें हैं जो कि मजबूर करती है कि हम हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारें। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट सरकार के द्वारा भी कमी की गई, तो सरकार को अब कॉर्पोरेट टैक्स कम मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होएगा, लेकिन सरकार ने नुकसान उठाया ये देखते हुए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा कम से कम। भाई कंपनी अगर हमको टैक्स देगी तो जो पैसा बचेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन देखा गया कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही, तो टैक्स रिवेन्यू भी कम हो गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा, और टैक्स रिवेन्यू कम हुआ तो एजुकेशन पे पैसा कम लगेगा, हेल्थ पे कम लगेगा, फूड पे कम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम लगेगा, ओवरऑल नुकसान किसको होगा? देश की जनता को होगा। तो इंडिया अब अगर मैं लो टैक्स जीडीपी रेशियो की बात करूं कि जितनी हमारी जीडीपी है उसमें टैक्स कितना आ रहा है, ये हमारी 18% है, और उन कंट्रीज़ के लिस्ट में हम शामिल हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लो टैक्स जीडीपी मिल रही है। गवर्नमेंट के बजट की मैं बात करूं, देखो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो गया, इनकम टैक्स रेट में कटौती दी अभी बजट में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बचा है जिस पर सरकार निर्भर है, और देखा गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, पिछले कई महीनों से जो है राज्य सरकारों को उनका बकाया जीएसटी के अंदर शेयर नहीं दिया जा रहा, तो ये भी रिग्रेसिव बताया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रिग्रेसिव। एक होती है टैक्स रिग्रेसिव, होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जितना ज़्यादा अमीर आदमी होगा उसके ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ेगा, रिग्रेसिव मतलब जितना ज़्यादा गरीब आदमी होगा उतना ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स और सर्विसेज टैक्स रिग्रेसिव कैसे हैं? मैं अमीर हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं अगर कुछ चीज़ खरीदने जाता हूँ उस पर जीएसटी चाहे 30% लग रहा है, 40% लग रहा है, मेरी माने तो 100% लग रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत पैसा है मेरे पास, मेरे तुम चाहे 100% जीएसटी ले लो, मैं दे सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन जो गरीब है जो महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस तरीके से लगना बहुत गलत होगा। तो टैक्स तो सेम लग रहा है, टैक्स तो सेम है दोनों के लिए, अमीर और गरीब के लिए, लेकिन अमीर के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इतना टैक्स देना अफोर्ड कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, इसलिए इसको रिग्रेसिव बताया जा रहा है, उस वजह से जो साधारण जो व्यक्ति हमारे देश के उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ साफ हो चुकी है कि इंडिया इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकता जब तक पब्लिक स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, फिस्कल रिसोर्सेज हमारे नहीं बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमको कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि फाइनेंशियल ओपेसिटी कम हो। और फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर जो है पब्लिक को ओपन कर दो, और ऑनशोर टैक्स हेवन जो हमारे देश में है, जो हमारे देश के अंदर टैक्स हेवन है ना, पहले उनको रोको,
स्विट्जरलैंड में बाद में जाना, पहले जो देश में जो हेवेंस हैं, टैक्स हेवन मतलब जहाँ पे टैक्स बचाया जा रहा है, जहाँ पे टैक्स की जो, जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनी है हमारे देश में पैसा नहीं दे रही टैक्स का, तो कोशिश ये की जाए कि देश में जो कंपनियाँ काम कर रही है ना, पहले उनको टैक्स लो ढंग से, फिर जो हमारे देश के लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं उस पर काम करो। भारत सरकार को एक बार देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डिबेट में उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी हो, हम मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रेशराइज करें कि जितना टैक्स आपको देना है उतना ही दो, और इसके लिए हमको यूनाइटेड नेशन की टैक्स बॉडी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट भी टैक्स पे काम करती है, टैक्स स्ट्रक्चर पे काम करती है, इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम पे काम करती है, लेकिन देखा यह गया कि OECD का जो सिस्टम वो काफ़ी ख़राब है, OECD का सिस्टम डेवलपिंग कंट्रीज़ के खिलाफ है, तो UN की जो टैक्स बॉडी है इंडिया को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा इससे। इंडिया को अकेला हो सकता है, इंडिया को अकेला भी चलना पड़े, यूनिलैटरली भी सोचना पड़े, ताकि मल्टीनेशनल्स को जो पैसा देना है वो इंडिया को मिले, जो इंडिया को चाहिए, जो इंडिया को वास्तव में उसकी ज़रूरत है, जो इंडिया का हक है कि मल्टीनेशनल कंपनीज उनके टैक्स का शेयर का पैसा दे। अच्छा, इसमें हमने बात की थी कि सरकार को अपनी फिस्कल लिमिट तोड़नी पड़ेगी, सरकार को पब्लिक स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। उसके बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सरकार जो फिस्कल कैपेसिटी है दो तरीके से बढ़ा सकती है, फिस्कल स्पेंडिंग कर सकती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके, कैपिटल स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर करके। मतलब सरकार के पास बहुत पैसा आ रहा है, सरकार कैसे खर्च करेगी, सरकार या तो स्कूल बना देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, हॉस्पिटल बना देगी, या सरकार जो सैलरी वैलरी चुकाएगी, और दोनों काम होते हैं, दोनों काम होते हैं। आज हमारे देश में अगर मैं बोलता हूँ कि फिस्कल कैपेसिटी की जरूरत है, सरकार को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि लोगों के पास में पैसा जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक मजबूरी है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, बैंकों का क्राइसिस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अटका हुआ है, रियल इस्टेट सेक्टर अटका हुआ है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक हीरो के तौर पर आना पड़ेगा। हीरो के तौर पर गवर्नमेंट कैसे आ सकती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग कर सकती है, अपनी तरफ से जब स्पेंडिंग अगर गवर्नमेंट करेगी तो यहाँ पे फिस्कल लिमिट उसको तोड़ना पड़ेगा, और फिस्कल लिमिट जब नहीं भी तोड़े तो जब भी स्पेंडिंग करेगी तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार चाहे कि जो सरकार पैसा लगा रही है उसका बेनिफिट हो, जैसे अगर सरकार हॉस्पिटल बना रही है, 100 करोड़ रुपए लगाई एक हॉस्पिटल स्कूल बनाने में, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो वापस जो है कुछ खर्चा करेंगे, ठीक है, खर्चा करेंगे तो देश में इकोनॉमी फ्लो होगी, इकोनॉमी फ्लो होगी तो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा वापस आ जाएगा। अब सरकार जो है अगर सैलरी देती है तो सरकार सैलरी में क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा सैलरी। आप कह सकते हो कि सरकार जो है सैलरी देगी तो सैलरी वाले जो लोग हैं वो कंजप्शन करेंगे, वो भी तो इकोनॉमी में फ्लो बनाएंगे, लेकिन एक स्कूल में पैसा लगाना जिसमें करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिले, हज़ारों लोगों को रोजगार मिले, वो ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उसमें टेम्प्ररी वर्कर्स को भी जो है रोजगार मिलता है, परमानेंट को भी रोजगार मिलता है, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर से काफ़ी ज़्यादा हमको फायदा होता है। तो सरकार ये कोशिश करे कि अब जो भी खर्चा करे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। यही चीज़ हमारे डिफेंस सेक्टर की जा रही है। डिफेंस सेक्टर में हमारे जो बजट होता है, जो हमारा बजट है 3 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें देखा जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द शेयर आर्मी वालों की पेंशन में, सैलरी में जा रहा है, जबकि बहुत कम पैसा हमारा नए नए कैपिटल जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे आर्म्स हैं, जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट उनको खरीदने में जा रहा है। तो ये जो इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, सैलरी देने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में भी ये कोशिश की जा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। इसके लिए मैं आपको ये डिफरेंस समझाना चाहता था। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।